नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं। धार्मिक दुनिया विच मंत्र जंत्र ते तंत्र दी आम चर्चा है। मंत्र किसे एक विशेष बोल नो रटदिया रटदिया जपदिया जपदिया उस बोल विच टिक जाना इसनो मंत्र सिद्धि कहंदे ने। जंतर कागज दे उते कोई विशेष मंत्र लिख के उसकी तावीद किसी धातु विच मड़ के गल विच पाना हाथ ते बन लेना इनू यंत्र कहंदे ने। जंत्र तंत्र किसी कामना की पूर्ति लई किसी विशेष देवते की पूजा करनी अर्चा बंधन करना और उसके अगों भेटा रखनी कुर्बानी देनी इसनों तंत्र कहंदे ने। दित्ती हुई कुर्बानी दे बदले कुछ प्राप्त हो गया तो कहंदे तंत्र सिद्धि। मरे हुए किसे विशेष मंत्र नो जो गल दिशते हाथ ते बने होया है प्राप्त हो गई मन इच्छित कामना तो कहंदे जंत्र सिद्ध हो गया। किसी कामना नु मुख रख के विशेष बोल मंत्र जपे और वो कामना दी पूर्ति हो गई है तो इसनु कहंदे ने मंत्र सिद्धि जंत्र सिद्धि तंत्र सिद्धि। किसी विशेष इष्ट देवते दे अगों आराधना करनी मंग करनी मंत्र दे राहे जंत्र दे राहे तंत्र दे राहे। प्रथम इष्ट और उस इष्ट दे कोलों कामनावां दी पूर्ति हो सके तो साधन मंत्र जंत्र तंत्र। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी अगाध बोध बाणी जाप साहब आप फरमान कर देने नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं। चार चार बंदा दा एक एक छंद है यानी बंद दो पर जिस दे 17 चार चार है। इसकी मूल 17 इस तरह लवांगे नमो इष्ट इष्टे नमस्कार है तेनू तू ही देवतियां दे चों सिरमौर देवता है तू ही इष्टा दे चों मेरा सब तो बड़ा इष्ट है। जब तू ही इष्ट है तो तेरा नाम ही मंत्रा दे चों सिरमौर मंत्र है तू ही जंत्रा दे चों सिरमौर जंत्र है तेरी आराधना ही जंत्रा दे चों सिरमौर जंत्र है तेरे अगों झुकना ही तंत्रा दे चों सिरमौर तंत्र है तेरे अगों झुक गए तंत्र सिद्धि दी प्राप्ति हो गई। तेरे हर बचन नो मन लिया जंत्र सिद्धि हो गई और तेरे ही मंत्र नो जपे है तेरे ही नाम दा रटन कीता है यही मंत्र सिद्धि है। तेरा नाम ही मंत्रा दे चो सिरमौर मंत्र है जंत्रा दे चो सिरमौर जंत्र है तंत्रा दे चो सिरमौर तंत्र है क्योंकि इष्टा दे चो तू ही सिरमौर इष्ट है तू ही देवता है तू ही तमाम देवी देवतियां दा मुखी है सब कुछ तेथों ही है तेथों ही है। इस वास्ते इष्ट भी तू
तेरा नाम मंत्र, तेरा नाम जंतर और तेरा नाम ही तंत्र है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस तरह परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप चित्रण कर रहे हैं। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे स्वरूपे समस्तुल्यवासी। हे प्रभु, तू सदा मौजूद है, चेतन है, तू सब जीवां दा नाश करण वाला है। तेरा स्वरूप ऐसा है कि जिसकी बराबरी दा होर कोई नहीं। तू सब जीवां विच टिकिया होया है। सदा सच्चिदानंद, तू सत चित आनंद है। तीन शब्दों का यह जोड़ है। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, जिथे तू सारे जीवां विच व्यापक है, समाया होया, उथे सत चित आनंद है। सत सदैवी है, मौजूद है, सदा मौजूद है। चित चेतन, सदा तू चेतन है और आनंद, तू सदा आनंद स्वरूप है। अनंत गुणा दा ओ सागर है, लेकिन इस दिच मूल तीन ही गुण पकड़ दे चाहे ने अभ्यासियां दी। सत चित आनंद, तू सदीवी है, होंद वाला है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। सारियां विच व्यापक है। अनूपे स्वरूपे समस्तुल्यवासी, तेरा स्वरूप ऐसा है कि जिसकी बराबरी दा होर कोई नहीं। तू सब जीवां विच टिकिया होया है। समस्तुल निवासी, सारियां विच तेरा निवास है। अनूपे स्वरूपे, तेरा स्वरूप ऐसा है अनूपे, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधंग उर्ध अर्धंग अघंग ओग हरता। हे प्रभु, तू ही आत्मिक ताकत देन वाला है। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, तू ही सारिया नू ज्ञान देन वाला है, तू ही सारिया नू ताकत देन वाला है। तेथों बिना न किसे नू सिद्धि मिलती है, न किसे नू बुद्धि मिलती है। करीबन करीबन मनुखता दोहां तो प्रभावित है, सिद्ध बुद्ध। सिद्ध देच सारे पदार्थ आ जाते हैं और बुद्ध देच सारा ज्ञान आ जाता है। आदि काल तो ऐसा देखा गया, मनुख की चाहता इन्हां ही दो मूल चाहता ते खड़िया ने, मंगा ते खड़िया ने, सिद्ध बुद्ध, सिद्ध बुद्ध। एक भरम भुलेखा पै गया, सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। तो जिन्हां नूं ज्ञान चाहिदा सी, कला चाहिदी सी, उस सुरस्ती दे पूजन दे जुट गए। जिन्हां नूं सिद्धि चाहिदी सी, पदार्थ चाहिदे सन, वो गणेश की पूजा नाल जुड़ गए। भारत विच ये दो त्योहार बड़े वड्डे पद्धर ते मनाए जाते ने, गणेश चतुर्थी ते सरस्वती पूजन। उत्तरी भारत बंगाल और आसाम, ये सब तो वड्डे त्योहार के रूप में मनाउंदा है सुरस्ती पूजन। महाराष्ट्र, आंध्रा, कुछ कनार कर्नाटका, इस इलाके विच
थोड़ा जहा मध्य भारत भी शामिल है। गणेश चतुर्थी, गणेश की पूजा, ये त्योहार सिरमौर है, महान है। दरअसल जे मनुख दे प्राणा दे झात मारीए ते उस दियां कामनावां नू देखिए, शरीरक भुख मिटाण वास्ते वो पदार्थ चाहुंदा है, भौतिक भुख मिटाण वास्ते वो ज्ञान चाहुंदा है। इनू सिद्ध चाहीदी है, इनू बुद्ध चाहीदी है, इनू सारे पदार्थ चाहीदे ने, इनू सारा ज्ञान चाहीदा है। जो कुछ इसके सामने है सिर्फ उसनू वेखना ही नहीं चाहता, उसनू जानना भी चाहता है, उसका ज्ञान भी चाहिए। जो कुछ इसके अनुभव दे आया है, जो कुछ उसकी दृष्टि दे आया है, उसनू जानना भी चाहता है, उसका ज्ञान भी चाहता है। बड़ी प्रबल बौद्धक भुख लेके एक मासूम बच्चे का जन्म होता है, और बड़ी प्रबल शरीरक भुख लेके एक मासूम बच्चे का जन्म होता है। सहजे सहजे यदि शरीरक भुखा की प्राप्ति हो सके, प्रथम ते मां का दुध है, पशुआ का दुध है, फिर तरह तरह के पदार्थ ने, फिर तरह तरह के कम धंधिया दे जुट के ये सिद्धियां ये पदार्थ प्राप्त करने की कोशिश करता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय इसकी बौद्धिक भुख की पूर्ति जो है करते ने, पर जितने चिर तक परमात्मा ना मिले, ना सिद्धि मिलती है, ना बुद्धि मिलती है। इस वास्ते धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, तू ही सिद्धि दाता है और तू ही बुद्धि दाता है, सारा ज्ञान तैथों ही आउंदा है, तैथों ही आउंदा है, और सारे पदार्थ तेरी मेहर का सदका ही प्राप्त होते ने, तेरे बनाए हुए वसीलियां का सदका ही प्राप्त होते ने। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधो उर्ध अर्धं अघं ओग हरता। हे प्रभु, तू ही आत्मक ताकतां देण वाला है, तू ही जीवन समझ ज्ञान बख्शता है, उन्नति देने वाला है, पाताल विच, आकाश विच, विचकार हर थां तू ही मौजूद है, तू ही जीवा दे बेअंत पाप नाश करने वाला है। अधो उर्ध अर्धं अघं ओग हरता, अधो उर्ध अर्धं धरत पयाल आकाश, ऊपर थल्ले विचकार, अधो उर्ध अर्धं अघं ओग हरता। सारे अग पाप तो नाश करने वाला है, हरण करने वाला है, सब नो नाश कर देना है। जितने भी पाप ने ये केवल परमात्मा ही नाश कर सकता है। इतना बख्शन, इतना दयालु है कि एक दफा कोई उसनो देखण दे समर्थ हो गया है तो उसकी दृष्टि उसके सारे पापां नू नाश कर देंदी है, सारे दुख मिटा देंदी है। इस वास्ते साहिब फरमान करदे ने, तू वड्डियां शक्तियां वाला है, सारे पापां दे नाश करन वाला है, हर तरह दे ज्ञान दे देण वाला है, हर तरह दे पदार्थां नू झोली विच पाण वाला है, सारे दुखां कलेशां ते पापां दे नाश करन वाला है। परम परम परमेश्वरं तोच्छ पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं। हे प्रभु, तू वड्डा मालिक है, जीवां दियां नजरां तो ओले रह के तू जीवां दी पालना कर रहे हैं, तू सदा जीवां नू सिद्धियां देण वाला है, अते दया दा घर है। परोक्ष पालन, तू सामने खड़ा होके पालना नहीं कर रहा, परोक्ष पीछे खड़ा होके गुप्त रूप देच सब कुछ दे जाना है, सब कुछ दे जाना है। तेरे हाथ अदृश्य है, तेरी देन दी शक्ति अदृश्य है,
और तेरे अदृश्य हाथों दे राही जगत नो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ऐसा तू परिपूर्ण परमात्मा जगत का पालनहार है और जगत देते दया करने वाला है। वाकई अगर दया उसका स्वभाव ना होवे तो पालना हो नहीं सकती। इस वास्ते जब कोई हिरदा दयालु होता है तो असि कहने इस दे कुल ते परमात्मा का स्वभाव है। जब कोई परोपकारी हो जाता है तो असि कह देने इसे निरंकार की तरह ही परोपकारी है, दूसरों की पालना करने वाला, भला करने वाला। तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर रहे ने, परम परम परमेश्वरो तुच्छ पालन, परम परम परमेश्वरं प्रोच्छपालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्त धामं। हे प्रभु, तैनु ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई तैनु बन सकता है। अछेदी अभेदी, तेनु को भेद नहीं सकता, बन नहीं सकता। अछेदी, तेरे विच कोई छिद्र छेक भाव तेनु कोई तोड़ नहीं सकता। अनामं अकामं, तेरा कोई एक नाम नहीं है। अकामं, तेनु कोई कामना पहुंच नहीं सकती। भाव, तेरे अंदर किसी प्रकार की भी कोई कामना नहीं। कामना उन्होंने अंदर आती है जो अधूरे ने, कामना करके पूर्ण होंगे। इस वास्ते मनुख चाहता है कामना पूरी होवे, ताई मैं पूरा होवांगा। कामनावां दा अपना सुभाव है, एक कामना पूरी होंदी है, पूरी होंदे आउंदे आ पता नहीं कितनियां कामनावां नूं जन्म दे जांदी है। इस तरह जीवन सारा कामना विच रहिंदा है। जिस दिन सेवा कर तो होए नह कामी, तिसको हो परापत स्वामी। कामना नूं एक पासे रख के जद कोई कर्म करदा है भावना दे अधीन, भरोसे दे अधीन, श्रद्धा दे अधीन, उस अकाम प्रभु दी प्राप्ति हो जाती है। फिर जैसे उसकी प्राप्ति होती है, मानो सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। जैसे उस अकाम दी प्राप्ति हो गई, मानो सारियां कामनावां दी पूर्ति हो गई। समस्तो पराजी समस्तस्त धामं, तू सब जीवन जितन वाला है, पराजी सारियां पराजित करने वाला है। भाव, सब तेरे नथे हुए ने, सब कुछ तेरे काबू विच है। सूरज चंद तारे जमीन आसमान पशु पक्षी मनुख दृश्य अदृश्य जगत सब तो नथे होया है, सब नु पराजित करने वाला है, सब नु काबू करने वाला है। समस्तस्त धामं, ते सारे जीवां विच तेरा ही निवास है, सारे धामां विच तू ही वस रहे हैं, तू ही वस रहे हैं। तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं अभीत हैं अभे हैं। हे प्रभु, तो जल विच है थल विच है, तेनु किसे तो डर नहीं, तेरा कोई भेद नहीं पा सकता। देखिया जाए जिस लोक विच असी रहिंदे आ, तीन हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। जलचर बहुत ज्यादा ने, जल जंतु बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। 42 लाख जीव जल में होते पीठल भेला काहे करो। महापुरुषा ने गिनती की थी है
सदवेश थे सारे अवतारी पुरुष इस गिनती नाल सहमत ने कि 84 लख जोना ने जिस विच अधिया योनिया जल विच ही रहिंदिया ने भाव 42 लख तरह दे जीव जंतु सागर विच ने भावे धरती नालों 3 गुणा वड्डा है सागर अद्धा जीवन इसे देच है 21 लख जीव जंतु धरती ते रेंगण वाले ने चलण वाले ने और 21 लख किस्मां दे पक्षी ने आसमान विच उड़न वाले ने इस तरह ये 84 लख जोना बनदियां ने ऐसा ना समझ लिया जाए वो सिर्फ धरती दे है नहीं जल देच भी वो ही है और जल जंतुआ देच भी वो ही है कमाल भी गल है जल देच ही सबदा जीवन जल देच ही सबदा जन्म जल देच ही सबदी भरण पोखना पालना ते जल देच ही सबदा नास धरती ते रहने वाले मिट्टी तो जमे मिट्टी विच जीवे फिर मिट्टी हो गए जल विच जमे जल विच जीवे फिर जल रूप हो गए अगम्मी लीला उस परिपूर्ण परमात्मा दी धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर रहे ने जले हैं थले हैं अभीत है अभे है हे प्रभु तू जल विच है थल विच है तेनु किसे तो डर नहीं तेरा कोई भेद नहीं पा सकता प्रभु है अजू है अदेश है अभेश है तू सबदा मालिक है प्रभु है मालिक है तुम सबदा मुखी है तुम प्रभुताशील है प्रभु है पर तुम अजो है तेन कोई हिला नहीं सकता अजन्म है अजो है तू किसे तो जन्म नहीं लिया और अदेश है अभेश है अदेश देश रहत एस भेस रहत तेरा कोई देश नहीं तेरा कोई भेस नहीं धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा फरमान अदेश है अभेस है कोई तेरा मुल्क नहीं क्योंकि तू सारी थावां ते व्यापक और तैथो बिना कुछ भी नहीं तो तेरा मुलक की मनी है सागर बहुत वड्डा है बहुत वड्डा है और एक है मनुख ने भावे सागर दे कुछ हिस्सों दे नाम रख देते ने रेड सी लाल सागर ब्लैक सी काला पानी इसे तरीके नाल पैसिफिक सी प्रशांत महासागर कैस्पियन सी और एटलांटा सी वर्ष के पता नहीं कितने नाम इसने रख देते हैं अरब दी खाड़ी अरबियन गल्फ जिथे जिथे समुद्र दी धार किधरे दूर निकल गई खाड़ी कहलाई पर सारे का सारा सागर ही है ना ए अरब दी खाड़ी है ना ए इंडियन ओशियन है ना ए गल्फ ऑफ बंगाल है और ना ही ए प्रशांत महासागर है बस सागर ही है सागर ही है मनुखा ने मजबूरी विच सागर नू नाम दे दिते ने छोटे छोटे हिस्सों परमात्मा व्यापक है परम आत्मा है आश्चर्य है सारे अज्ञान अंधकार नो नाश करने वाला है
मनुख ने उसनु नाम भी दे देते ने सीमत जाई और नाम दे नाल उसके थां टिकाने भी जो है मन लेने। जबकि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने अदेश है अभेश है तेरा कोई देश नहीं और तेरा कोई लिबास नहीं ऐसा तू परिपूर्ण परमात्मा है। देव जी धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान कर देने जब जी साहब दे अंदर बार बार चार पौड़ियां आदेश तिसे आदेश और अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश जो अनादि है रंग तो रहत है और आहत शब्द नहीं जो अनाहत है सुते सिद्ध शब्द स्वरूप है जुगा जुगा दिच जद जुग रूप बदलते रहने समा बदलता रहे है, संसार बदलता रहे है, पर उसका जुग जुग एको वेश एको ही स्वभाव एको ही होम एको ही स्वरूप रहे है। ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है आदेश है आदेश है देश तो रहत है देश तो रहत है देश तो रहत है उसका कोई विशेष स्थान ठिकाना नहीं और सारे ठिकाने उसे देने उसका कोई विशेष भेख नहीं पर सारे भेष उसे देने क्योंकि सारे भेष उसे देने किसे का भी कोई भेष नहीं तो वो अभेष है सारी थावां ते ओही व्यापक है। इस वास्ते असी कोई विशेष था ठिकाना उसका नहीं बयान कर सकते। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी फरमान कर देने आदेश है अभेष है हे परिपूर्ण परमात्मा तू देश रहत है भेष रहत है वर्ण चक्र चैन रेख भेख तो तू न्यारा है। जब किसी नु भेष दी महिमा ना रहे देश दी पकड़ ना रहे वर्ण जात दी पकड़ ना रहे और इस सब कुछ तो जब उच्चा उठ जाता है तो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। भुजं पर्यात छन अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। हे प्रभु तेनु नमस्कार है तू अथा है तेरे राह विच कोई रोक नहीं पा सकता अगाधे अगाध है भाव तेरी तय तक पहुंचना कठिन है अबाधे कोई भी तेरे रस्ते विच बाधा नहीं खड़ी कर सकता। कदी देखिए इच्छावां ते मनुख दियां भी एही रहे मेरे रस्ते च कोई रोड़ा ना खड़ा करे और मैं इतना गहर गंभीर हो जावा कि मेरे तक किसी की पहुंच ना आवे मैं कदी मरा भी ना इतना सुंदर होवा कि उपमा तो रह तो जावा मेरी कोई पूर्ण तौर की उपमा भी ना कर सके भाव उपमा थले रह जाए और मैं उच्चा हो जावा उपमा तो भी अनुपम हो जावा इतना शक्तिशाली हो जावा सब कुछ मेरे काबू दे चोवे किसे हद तक मंगते मनुख दे अंदर परमात्मा दी है पर ये मंग शुद्ध हृदय नाल नहीं है भावना शुद्ध नहीं है ये मंग भी दूसरे नु दलन लई दूसरे दा रास्ता रोकन लई मंग मंगी जा रही है। इतना महान हो आ मेरे रस्ते नु कोई ना रोके मैं सब दा रस्ता रोक लवा इतना सुंदर हो जावा और मेरी कोई पूर्ण उपमा कर ही ना सके उस
मंगनू जिस लई वरतना चाहता है वो ठीक ने। इस वास्ते चंगी मंगदे होंदिया भी ये चंगा नहीं है। परमात्मा का सुभाव है, परमात्मा की होंद है, परमात्मा का स्वरूप है कि उसकी तह तक कोई नहीं जा सकता। उन्हें नापना तोलना गिनना कठिन है, आबादे है। उदे रस्ते विच कोई भी बाधा नहीं खड़ी कर सकता। आनंदी स्वरूपे वो आनंद स्वरूप है। आनंद दुख सुख तो उच्ची अवस्था का नाम है। ऐसा कोई सुख भी नहीं जो दुख दे ना बदले। हर सियाने का अनुभव है जो सुख है चरम सीमा ते पहुंच के दुख दे बदलना शुरू हो जाता है और एक दिन सवाए दुख तो और कुछ भी नहीं रह जाता। जीवन कितना ही सुखमयी होवे आखिर दुखमयी हो जाता है। जवानी कितनी ही महान क्यों ना होवे आखिर बुढ़ापे विच बदल के रह जाती है। सारे ही सुख दुख विच बदल जाते हैं। तो सुख दुख तो जो उच्ची अवस्था है उसे नू आनंद कहते ने और परमात्मा आनंद स्वरूप है। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने। सब जीव तेनू निमदे ने, तू सब गुणा ते पदार्थां दा खजाना है। समस्ती निधाने सब कुछ दा तू खजाना है। तू सुहपन दा खजाना है, तू शक्ति दा खजाना है, तू सारे दैवी गुणा दा खजाना है। इतने गुण के गिने नहीं जा सकते, इतना स्वप्न नापया नहीं जा सकता, इतनी शक्ति गिनी मिनी नहीं जा सकती। केता तां सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत। कौन अंदाजा लावे कि कितना सवालियो रूप कितना सुंदर रूप है, कितनी उसकी देन है, कितनी उसकी शक्ति है। केता तां कौन अंदाजा लावे। भाव सारे गुणा का, सारी शक्ति का, सारे स्वप्न का वो खजाना है, खजाना है। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने। नमस्तुं नाथे नमस्तुं परमाथे नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे। हे प्रभु तेनू नमस्कार है, तेरा कोई होर खसम नहीं है, निर्नाथ है तू। नाथ तो बिना है, नाथ तो बिना है, तेनू किसी ने भी नथेया नहीं, तेरे सिर का कोई भी मालिक नहीं, तू निर्नाथ है। नमस्तुं परमाथे पर तू सारियां दा मंथन करने वाला है, नाश करने वाला है। नमस्तुं अब गंजे नमस्तुं अभंजे तेनू कोई किसे गले अगे वध नहीं सकदा किसे भी गल दे। तू ऐसा है और तेनू कोई तोड़ नहीं सकता। अगंजे तेथों कोई अगे नहीं लंघ सकता। अभंजे तेनू कोई तोड़ नहीं सकता, तेनू कोई मरोड़ नहीं सकता। नमस्तुं अकाले नमस्तुं अकाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे। हे प्रभु नमस्कार है तेनू, तेनू मौत भोग नहीं सकती, तेनू काल नहीं खा सकता। तू काल नू खा जाना है, तू काल नू खा ले
तेरे नेड़े काल नहीं आऊंगा। तू अकाल है और तू ही सारिया की लोड़ा की पूर्ति कर रहे हैं। नमस्तु अपाले है और तेरी कोई लोड़ नहीं। तू सारिया का अकाल है, आप अकाल है। तू सारिया की पालना करने वाला है पर आप अपाले हैं। तेरी कोई लोड़ नहीं, तेरी कोई पालना नहीं कर रहा। इस वास्ते कहते ने सेवा तो संसार की करनी है, संसार दियां लोड़ां आउंदियां ने। निरंकार का सिमरन करना है, उहदी की पालना करोगे, उहदी की लोड़ां की पूर्ति करोगे। जो सब दियां लोड़ां की पूर्ति करने वास्ते निधान है, खजाना है। नमो सर्व देशे, नमो सर्व भेसे। हे परिपूर्ण परमात्मा नमस्कार है, तू सारे देशां दे मौजूद है। इस तो पहले छंद चाया अदेसं अदेसे, नमस्तं अभेसे। तू अदेश है, तेरा कोई देश नहीं, तेरा एक थां टिकाणा नहीं। किसी भी देश का तेरे नाल संबंध नहीं जोड़ सकते। और ऐसा भी नहीं कह सकते ये देश पवित्र ये देश अपवित्र। सारे थां तैथों आए ने, सारे देश तैथों आए ने, पर तू आदेश है, तेरा कोई देश नहीं। संस्कृत का एक होर शब्द है आदेश, आदर सहित सजदा करना, झुकना, नमस्कार करने। जैसे कि धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, आदेश किसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको रेस, जुगा जुगांतरां दे जो एक रस व्यापक है, जो धबियां तो रहत है, जो अनाहत शब्द है, ब्रह्म नाद है, उसनो आदर से नमस्कार है, नमस्कार है। आदेश ते मुड़ा आ गया भी है हुक्म, ये ते फलाने का आदेश है। पर इसमें निज कही आदेश, कोई देश नहीं, कोई वतन नहीं, कोई मुल्क नहीं। इस छंद सतगुरु इन फरमान करते ने, नमो सर्व देशे, नमो सर्व भेसे। नमस्कार है तेनों, तू सारे देशां दे चाहे। ऐसा कोई देश नहीं जिथे तू नहीं, और जदों दे देश ने उस तो पहले दा तू है, तू सर्वदेशी है। इस वास्ते तेरा कोई एक देश नहीं है, हर देश देच तू व्यापक है। नमो सर्व भेसे, सारे पहरावे तेरे ही ने। अगर शरीर नु एक चोला मन लईए तो पंछियां दे अपने चोले। जैसे सतगुरु ने इसनु कपड़ा कहा, करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, कामना नाल भरे हुए कर्मा करके शरीर रूपी कपड़ा मिलता है, पर उसकी मेहर बख्शिश नाल मुक्ति का द्वार प्राप्त हो जाता है। मनुख इन्हां कपड़िया तो बच जाता है, क्योंकि कपड़ा आखिर एक दिन पुराना होता है, पाटदा है, फिर नवा चोला, फिर नवा चोला, फिर नवा चोला, बार बार का यह जन्म चलता है। मोक्ष जन्म तो रहित हो जाना, तो पंछियों के अपने चोले ने, कीड़े मकोलिया का अपना पहरावा है, पशु जगत का अपना पहरावा है, मनुखा के अपने चोले ने। फिर जड़ है, चेतन है, सूरज चंद तारे ने, धरती है, पवन पानी अग्नि है, वर्ष के बहुत लंबा चौड़ा ए पसारा है, कुछ अस्थूल कुछ सूक्ष्म कुछ दृश्यमान कोई अदृश्य, सारे पेशां विच तो ही है, ये सारे पहरावे तेरे ही ने। नमो सर्व भेसे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे।
तेनु नमस्कार है। तू राजिया का महाराजा है, राज राजे। संस्कृत का शब्द है राजे, रज जाना, लेके रज गया, तृप्त हो गया। जिन्हां दियां सारियां ही भुखां मिट जांदियां और जिन्हां विच कोई भुख नहीं रही, ऐसे मनुखां नूं किसे जमाने च राजा आख्या गया। और इस कोटी दे संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी राजयोगी ही आउंदे सन। लेकिन सहजे सहजे तृष्णालू, झगड़ालू, हिंसक सताधारियां दे नाल इस शब्द जो जुड़ गया, जबकि वह महाभुख है ते कंगाल ने नहीं, एक परमात्मा रजे होया है। एक जो परमात्मा विच लीन हो गया, जुड़ गया, वो रज जांदा है, वो रजे होया है। तो तू राजियां दा महाराजा है। नमो राज राजे, नमो साज साजे। तू सारी सृष्टि दा पैदा करने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं कि तेथों बिना कुछ साजे आ गया वे। साज साजे ऐसा आखना, हर वस्तु तो बनाई, सिर्फ बनाई नहीं, श्रृंगारी भी, उसकी साजना भी की थी, उन्हों संवारिया भी है। और ग्रह खड़े ने साजे हुए, संवारे हुए, सृष्टि है, जमीन है, साजी हुई, सवारी हुई। सूरज चंद तारे ने साजे हुए, सवारे हुए। पशु पक्षी ने साजे हुए, सवारे हुए। मनुख दा तन भी शिंगारे है, साजे है। उस परिपूर्ण परमात्मा ने एक चीज दी छूट उस परमात्मा ने सानू दे दी कि तू हुण मन सवार, अपने मन दी साजना कर, सवारण दी कोशिश कर, ताकि तेरा मन मेरा रूप हो सके। ऐसी खुल, ऐसी समर्था भी उस परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखी है। और कोई इस गल नूं भूल ना जाए, गाहे बगाहे अवतारी पुरुष, पीर पैगंबर, संत जन मनुख नूं चेतावनी भी देंदे रहिंदे ने, साजना कर अपने मन दी, सवार अपने मन नूं। फरीदा आप संवारे, मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जेतो मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। तो हे परिपूर्ण परमात्मा, सब कुछ तेरा साजे होया और सब कुछ तेरा संवारे होया। नमो शाह शाहे, नमो माह माहे। तू पातशाह दा पातशाह है। राजा शब्द संस्कृत दा और बादशाह लवस फारसी अरबी दा। बाद कहिंदे ने हवा नूं, शाह कहिंदे ने मालिक नूं, हवावां दा मालिक, जिसदी चाहे हवा चला देवे और जिसदी चाहे सब कुछ समर्था रोक के रख देवे। हवा जिस पासे चल रही है, अपना प्रभाव छोड़ दी जाती है, छोड़ दी जाती है। इसी तरीके नाल हवा दे रुख दे मुड़दे हां बहुत कुछ मुड़दा है। हवा दा मालक भाव अपनी सल्तनत नूं चलाण वाला, रियाया नूं चलाण वाला, प्रजा नूं चलाण वाला, और जिस ढंग नाल चाहे कानून बनावे, चलावे, इस तरह दे पुरुष लई नाम रखिया गया परशियन अरबी विच बादशाह। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजे तो बाद कहिंदे ने, नमो शाह शाह, तू शहनशाह दा शहनशाह है। तेरे हुक्म दे ची सूरज चंद तारे चल रहे ने, तेरे हुक्म दे ची पृथ्वी गर्दिश दे चै। ऐसा की कुछ है कि तेरे हुक्म तो बिना चल रहे होवे। तू ऐसा शहनशाह है, सब कुछ नो तू चला रहे हैं, और जिधर तू मोड़ना चाहना है, जिधर तू चलाना चाहना है, उधर ही सब कुछ चल रहा है,
पातशाह दा तू पातशाह है। नमो माह माहे माह चंद्रमा, चंद्रमा दी चांदनी कोमल शीतल, तू चंद्रमा दा महान चंद्रमा भाव अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल ते शीतल है चंद्रमा दा महा चंद्रमा है। सारी शीतलता सारी कोमलता दा तू केंद्र है, तू खजाना है। नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे। हे प्रभु तेनो साड़ी नमस्कार है, तू एक महान सुंदर गीत रूप है जो सारे जीवन को मोह रहे है। वाकई जद भी किसे मनुख नो अनुभव होया है परमात्मा का और वो अनुभव बार प्रगट होया है गीत बन के संगीत बन के। गीत सिख लेना और सिख के लिखना होर गल है, पर परमात्मा का अनुभव होना कि परमात्मा ही गीत बन के अंदरों प्रगट होवे ये गल कुछ होर है। गीत बन के प्रभु जिन्हां दे अंदरों प्रगट होया है साडे देश ने उन्हां नूं ऋषि आख्या, ते ऋषि दे अर्थ कवि ने। ऐसे कवि परमात्मा जिन्हां दे अंदरों कविता बन के प्रगट होया गीत बन के प्रगट होया, भावे चौक विच बैठ के रविदास गंढते ते जुतियां ही ने, पर जुतियां गंढदियां गंढदियां जिस दिन उन्होंने अपना मन भी परमात्मा नाल गंढ लिया परमात्मा गीत बन के बार प्रगट होया, तो रविदास की बाणी है गीतमई संगीतमई। कपड़िया नू बुणदा बुणदा ताना पेटा एक करदया करदया जिस दिन कबीर ने अपनी आत्मा ते परमात्मा नू एक कर लिया, उस दिन खड्डी ते बैठे हां ताना पेटा एक करदया होया परमात्मा उन्हां दे अंदरों प्रगट होया गीत बन के संगीत बन के। एक जुलाहा गीतकार बन गया संगीतकार बन गया। इसे तरीके नाल असीं देखदे हां सैन नाई है धन्ना जट है नामदेव छींबा है रंगदा ते कपड़िया नूं ही पिया, पर कपड़िया नूं रंगदिया रंगदिया अपने मन नूं रंगण दे सफल हो गया, और जिस दिन सफल होया परमात्मा दा रंग उस दे अंदरों गीत बन के संगीत बन के प्रगट होया। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने तू एक सुंदर गीत है महान गीत है, जद भी किसी दे अंदरों प्रगट होया है गीत बन के संगीत बन के। नमस्कार है तेनू तू एक महान सुंदर गीत रूप है जो सारे जीवां नूं मोह रहे है, तू एक महान उच्चा प्यार रूप है जो सारे जगत नूं पाल रहे है। परमात्मा जिथे गीतमई है संगीतमई है उथे प्यार मरी है उथे अनुराग है। जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग, प्यार है वो व्याप्या है व्यापक है। और इतनी गलती स्पष्ट है कि सारे संबंध प्यार ते खड़े ने, और सारे संबंधा दा टूटना नफरत ते खड़ा है घृणा ते खड़ा है। इन कह लो जुड़ना प्यार ते खड़ा है टूटना तिस्कार ते खड़ा है नफरत ते खड़ा है घृणा ते खड़ा है। जो प्यार नाल भर गया जुड़ गया जोगी, जो नफरत नाल भर गया टूट गया भोगी, तो ऐसा परिपूर्ण परमात्मा प्यार रूप है और समस्त जगत विच व्यापक है और जगत दी पालना कर रहे है। हे परमात्मा तू महान भयानक क्रोध रूप भी है, सारी सृष्टि तेरे डर विच चल रही है, तू महान वड्डा सोका भी है कि सारे जगत नु नाश कर सकदा है। नमो सोक सोके
सब कुछ नु समेट लेना है, सब कुछ नु सोख लेना है, सब कुछ नु खत्म कर देना है। तू ऐसा भी है, ये बनाना ये समेटना तेरा प्यार है। पुराना चोला हो गया, गंदा हो गया, लीरा लीरा हो गया, तू ही इसनु समेटना है, तू ही अपने विच जो है लीन करना है। ये भी तेरा प्यार है, तेरी घृणा नहीं, तेरी नफरत नहीं, जबकि एक बिरत एक तन हीन और ज्ञान इंद्रिया तो भी हीणा हो जाए। ऐसे लई पनाह सिर्फ तू ही है, तू ही है, और एक तेरा प्यार है। सोख लेना भी तेरा एक प्यार है, अपने विच जज्ब कर लेना भी तेरा एक प्यार है। नमो सर्ब रोगे, नमो सर्ब भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व भीतं। हे प्रभु, तेनो साडी नमस्कार है। तू सब जीवां दी मौत दा कारण है। तू सब जीवां विच बैठ के जगत दे सारे पदार्थ भोग रहे हैं। हे प्रभु, तेनो नमस्कार है। तू सब नु जीतण वाला है। सब जीव तेथों डरदे ने। भाव सर्व रोग है, रोग ते बड़े ने, अनंत ने, पर रोगां दा महारोग मौत है। छोटे छोटे रोग मनुख दे सुख नु खत्म कर देने, सहूलता नु खत्म कर देने, सेहत नु खत्म कर देने। वड्डा रोग महारोग मौत शरीर नु ही खत्म कर देंदा है, जीवन नु ही खत्म कर देंदा है। इस वास्ते बड़ी हिम्मत है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने ने, जे मन लिए सेहत आनंद खेड़ा खुशियां तेथों आउंदियां ने, पर नहीं तू रोगां दा महारोग भी है। सारे रोग भी तेथों आउंदे ने, छोटे वड्डे वड्डे, और सब तो वड्डा महारोग मौत, ये भी तेथों ही आउंदा है। नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम दानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं। हे प्रभु, तेनु नमस्कार है। तू सब जीवां दे दिल दी जानदा है कि तू जगत रूप वड्डे खिलार वाला है। तू ही भाव, तेरा ही नाम सबनो वस करण वाला साधन है। नमो सर्व ज्ञानं। ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं जो तैथों बिना आमदा होवे। सारे ज्ञान दा तू केंद्र है। जैसे तीन तरह दा ज्ञान मनदे ने, पदार्थ दा ज्ञान, कला दा ज्ञान और परमात्मा दा ज्ञान। पदार्थ दा ज्ञान, बाहर दा ज्ञान, वस्तुआं दा ज्ञान, कला दा ज्ञान ये थोड़ा सूक्ष्म है, संगीत है, कविता है, नृत्य है, चित्रकारी है, संगतराशी है, अनंत प्रकार की कला है। और फिर परमात्मा का ज्ञान, तो वो महाकलाकार है, वो परमात्मा महान साइंटिस्ट है, और परमात्मा महान ज्ञान का सूरज है। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जिड़ा उस तो बिना होवे। सारे ज्ञान दा वो मरकज है। इतना ही ख्याल आ जाए तो किसे कलाकार नु अपनी कला दा अहंकार नहीं हो सकदा, किसे ज्ञानी नु अपने ज्ञान दा मान नहीं होवेगा, किसे साइंटिस्ट नु अपनी खोज देते अहंकार करन दी कोई लोड़ रह नहीं जाएगी। सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, उसे तो आ रहा है। नमस्कार है हे प्रभु तेनु। तू सर्व ज्ञानं, सारे ज्ञानां दा महान ज्ञानवान है, हर एक दे दिल दी जानन वाला है, और तू बहुत वड्डे खिलारे वाला है। तू ताना ऐसा तने है, ऐसा खिलेरे है, तू महान तानन है। ताना तन देता है, बहुत खिलारा खिलेरे है, और तू ही और तेरा नाम ही मंत्रां विचों सिरमौर मंत्र है, और जंत्रां विचों
सिरमौर जंत्र है। नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे। हे प्रभु तेनो नमस्कार है, तू सब जीवां दा ध्यान रखण वाला है, तू सब जीवां नू अपने वल खिंचण वाला है, तू हर एक रंग विच मौजूद है, तिन्ना ही भावना दा नाश करण वाला है। जीवां दे शरीरां वर्गा तेरा कोई शरीर नहीं। नमो सर्वदृश्यं, तू सबनू अपनी दृष्टि विच रखण वाला है, सब ते तेरा ध्यान है। नमो सर्वकृष्ण, तू सब जीवां नू अपने वल खिंचण वाला है, भाव तेरे च बड़ी कशिश है, बहुत खिच है, हर एक जीव तेरे वल खिचे आउंदा है, किसे न किसे रूप च खिचाओ तेरा ही मौजूद है। अगर कोई सुंदरता तो खिचे आ रहे है तो तेरा रूप है, अगर कोई किसी गुण तो खिचे आ रहे है तो गुण तेरा रूप है, अगर कोई शक्ति से समर्था तो प्रभावित होके खिचे आ रहे है तो तेरा रूप है। और तू सारे रंगा विच मौजूद है फिर भी तेरा कोई अंग नहीं, भाव तू इना ज्ञान इंद्रियां तो उपर है, शरीर तो उपर है। नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे। नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे। हे प्रभु तेनु नमस्कार है, तू सब जीवां दी जिंद है, तू सब दा मूल कारण है, बीज बीजे तू सब दा बीज है, मूल है। अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे, तेनु कोई दुख नहीं दे सकता, तेरिया कोई वंडिया नहीं पा सकता। अभिजे अभंज, तेन टुकड़े टुकड़े कोई नहीं कर सकता, वंडिया नहीं पा सकता। समस्तं प्रसिज्जे, सारिया दे उत्ते तू प्रसन्नता कृपा दया करन वाला है। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, तू कृपा दा स्वरूप है, दया दा स्वरूप है और सारे कुकर्मा नू नाश करन वाला है। तेरी याद सारे कुकर्म नाश कर देंदी है, तेरा चिंतन सारे कर्मां दा जलन कर देंदी है, साड़ के भस्म कर देंदी है। ऐसा तू पैड़े कर्मां दे नाश करन वाला है। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी। सदा ही रिधियां ते सिद्धियां तेरे विच ही निवास रख दिया ने, ऐसी केड़ी रिद्धि है जो तैथों बिना प्राप्त होवे, और तेरे चिंतन तेरी याद तो बिना कोई कुकर्म नाश नहीं हो सकता। तू ऐसा दयालु है, तेरी याद सारे कर्मां नू नाश कर देंदी है और उना कर्मां तो पैदा होण वाले सारे दुखां नू नाश कर देंदी है, और फिर तो रिधियां सिधियां दा दाता है, इस सब तेरे विच निवास कर दिया ने। जैसे तरह तरह दे पदार्थ धरती विच ने तू पाए ने, जैसे मोती सागर विच ने, हे परमात्मा तेरे च रिधियां ने सिधियां ने कृपा है गुण है, और तेरी बख्शिश तेरी दया सारे कुकर्मा नू नाश करन।